चैनल ट्रिपल कैरी। तो आज हम लोग लेके आए एक नया ब्लॉग, बट किस्सा काफी पुराना है। किस्सा है 2021 दिसंबर की, जब अनिंदिता वाज प्रेग्नेंट इन हर थर्ड ट्राइमेस्टर। तब मैं अपना निंजा भी बेचने का सोच रहा था और मुझे लगा बेचने से पहले एक ट्रिप तो बनता है। माई स्कूल फ्रेंड्स विवेक एंड अनिकेत ऑल्सो पिच्ड इन और फिर हम लोग निकल पड़े डुअर्स और लावा के लिए। अनिकेत अपने FZ के साथ और विवेक अपने स्विफ्ट डिजायर के साथ मेरे साथ निकल पड़ा इन व्हाट वुड बी देयर लॉन्गेस्ट रोड ट्रिप। मीनवाइल अनिंदिता एंड माय फ्रेंड्स वाइव्स वेंट फॉर अ स्टेकेशन एट ताज विवान। ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ने वाले थे हमें। ये ब्लॉग एक्चुअली दो हिस्सों में बांटा गया है क्योंकि बहुत 6 दिन का ट्रिप, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एक ब्लॉग में लाना। सेकेंड पार्ट में एक हादसा होता है, दैट इज द प्राइम रीजन व्हाई आई एम शूटिंग दिस ब्लॉग। और तब ब्लॉगिंग का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, कोई यू वोंट फाइंड एनी वॉइस, मैं माइक भी यूज नहीं करता था, जस्ट अ गोप्रो एंड मी। इसीलिए पूरा ब्लॉग, दो ब्लॉग भी पूरा ब्लॉग वॉइस ओवर ही देके रखे हैं हम लोग, क्योंकि ये विवेक और अनिकेत का फर्स्ट लॉन्ग ट्रिप था बाइक और कार पे, तो काफी सारा प्रिपरेशन लेना पड़ा, बट इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। तो आइए निकल पड़ते हैं, पैक्ड एंड रेडी टू लीव। आज का दिन कुछ खास नहीं है, बस घर से निकल के STKK रोड लिए और फिर NH34 से पहुंच गए फुलबाड़ी। द ओनली थिंग दैट वाज आउट ऑफ द ऑर्डिनरी वाज डालकोला बाईपास ओपन हो गया था और हम लोग बाइक लेके क्रॉस कर पाए। जर्नी थोड़ा टायरिंग था क्योंकि रायगंज के सामने एक बड़ी ट्रैफिक जाम में फंस गए थे। रिसोर्ट पहुंच के इट वाज टाइम टू रिलैक्स एंड सो वी डिड। तो आज अर्ली मॉर्निंग उठ के हम लोग रिसोर्ट से निकल के जा रहे चिलापाता। एज यू कैन सी विवेक गाड़ी लेके भाग रहे एंड देन अनिकेत मेरे सामने। और भाई साहब फूलबाड़ी में अगर कोई रिसोर्ट ना मिले तब आके ये रिसोर्ट पे रुकना। रात को फुल ऑन पार्टी हो रहा था और रिसोर्ट का नाम है ये स्वस्तिका इको रिसोर्ट। एंड रोड्स लीडिंग टू दिस रिसोर्ट तो माशाल्लाह, एंड फिर भूल भुलैया भी है, काफ़ी स्ट्रगल है निकलना और घुसना इस रिसोर्ट में। कुछ लोकल से पूछ के हाईवे तक तो आ गए, फिर लगा हाईवे पहुंच गए तो अभी बहुत ही अच्छा रोड मिलेगा तेल चिलापाता। पर एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा था, किलोमीटर्स काफ़ी कम था पर टाइम इतना ज़्यादा क्यों दिखा रहा है। हाईवे इतना अच्छा था कि कुछ देर तक लग रहा था कि गूगल आंटी से कोई गलती हो रहा है, ये हो नहीं सकता। जलपाईगुड़ी निकल गया, फिर मोइनागुड़ी, फिर धूपगिरी, इधर तक तो रोड्स एकदम ऑसम थे और सीनिक ब्यूटी भी तक आती। হ্যালো দাঁড়া একটু, কত দূর? আচ্ছা ঠিক আছে আমি দাঁড়াচ্ছি, আমি 62 কিলোমিটারে আছি। আর একটা ভেতর দিয়ে ঢোকালো না পুরো এই রাস্তা দিয়ে আসছে? পুরো এই রাস্তা দিয়ে একটা 3 মিনিট ফাস্টার রাস্তা ছিল। হ্যাঁ দাঁড়া, আমি তো ওইখানে ঢোকালো, পুরো ভেতর দিয়ে এলাম। ও ওইটা দিয়ে এসছিস? কিন্তু বাতি কিন্তু ভেতর দিয়ে এসছি, রাস্তা তো খারাপ পাসনি। ভালো ছিল, 3 কিলোমিটার পুরো ভাঙা, কিচ্ছু নেই। ও তা তো ঠিক আছে, কিচ্ছু নেই রাস্তা, কিচ্ছু নেই। হুম, ও আসছে, চলে এসছে। আচ্ছা এগা এগা, হ্যাঁ তুই এগা, তুই এগা। और आधा घंटे बाद विवेक जनाब आए और आने का मुझे एक ही फ़ायदा हुआ, शायद एक ही शॉट है मेरा पूरा टूर में, और थैंक्स टू विवेक। गूगल आंटी पे शक बर्दाश्त नहीं हुआ हो, और फिर कुछ देर में मुझे समझ आने लगा कि डिस्टेंस इतना कम, हाईवे इतना अच्छा, फिर भी टाइम इतना ज़्यादा क्यों लग रहा है। वी कमिटेड द कार्डिनल सिन ऑफ
फॉलिंग द रोड स्टिल फॉला काता, पर ये गूगल आंटी का ही किया धरा है, सबसे शॉर्टेस्ट रूट यही दिखाया उन्होंने और हम लोग ग्रीड में आके यही ले लिए। बाय द वे, अगर कोई आ रहे हो इस रूट से और आप लोग को जल्दा पारा या फिर चिला पाता जाना है तो धूपगिरी से लेफ्ट ले लेना टुवर्ड्स हाशीमारा, फोलाकाता तक मत आना। इनफैक्ट आज भी गूगल मैप चेक करो तो वो वाला रूट नहीं दिखा रहा। मैन, इट वॉज अ स्ट्रगल एंड अ रियल पेन इन द बैक। सुपर बाइक लेके सुपर रोड्स, मैन बहुत बहुत मेहनत हुआ इस पर। एंड उस दिन मेरा फ़ोन भी मुझे धोखा दे रहा था, पता नहीं क्यों फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा था, इसीलिए मैप्स बंद करके रखा था और फिर लोकल से हेल्प ले लेके मैं चिलापाता तक पहुँचा। चिलापाता सोचा, चिलापाता सोनापुर कत कौन 6 किलोमीटर सोनापुर, এরকমই রাস্তা ভাঙা পুরো ভাঙা এই ক্লাস। থ্যাংক ইউ। তারপর রাস্তায় আছে অর অর তিনটি ছোট নাটক। হ্যালো, কোথায়? এই রাস্তাটা আছে খুব বাজে রাস্তা গো। আচ্ছা, প্লাস কি হলো চার্জও হচ্ছে না ফোনটা। কেন? আমি অন্য চার্জার দিয়েছি, চার্জ হচ্ছে না আর ব্যাটারির পার্সেন্টেজ কমে গেছে। আচ্ছা, দেখি কি করা যায়। হ্যাঁ, ম্যাপ নাম কিছু সবাইকে জিজ্ঞেস করে করে যাচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। হ্যাঁ চলো, টাটা। ফাইনালি আফটার আ লট অফ হার্ডশিপস पहुंच गया चिलापाता बैम्बू रिसोर्ट। और ये लो रूम का टूर, होटल का टूर कुछ देर में दिखाते हैं। हम लोग लिए थे एक डिलक्स स्वीट जिसमें 3 जन तो आराम से सो सकते हैं एंड इट कॉस्टेड अस अराउंड 2500 प्लस एंड वी आर थॉरली इम्प्रेस्ड विद द रिसोर्ट लोकेशन, क्लीनलीनेस और रूम्स ही बहुत बढ़िया था। दोपहर को खा पी के रेस्ट लिए और फिर शाम को साइट सीन करने निकल पड़े एंड ये रहा रिसोर्ट का टूर। This resort sits bang in the middle of a tea garden and driving or riding in or out of the resort is such a pleasure. Resort se nikalte hi kuch dur ek chhota sa picnic spot hai, naam hai Chilapata picnic spot. हम लोग सोचे कि इसी पिकनिक स्पॉट के बैंक्स में कुछ देर गुजारे और फिर और एक जगह गए जहाँ पे कुछ फोटो वगैरह खींचे। তাহলে কি অন্য জায়গা নিয়ে এত ঘোরাতে পেরেছি? একটা জায়গা আছে, দাঁড়াস ফটো ভালো আসবে। और फिर देर हो रहा था, अंधेरा भी हो रहा था तो वापस आ गया रिसोर्ट। नेक्स्ट दिन सुबह के लिए हम लोग का चिलापाता फॉरेस्ट सफारी बुक था और वो काफ़ी अर्ली मॉर्निंग स्लॉट था, इसीलिए जल्दी डिनर किए और जल्दी जल्दी सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग सफारी था अराउंड 6, सो हम लोग 4:30-5 बजे उठ गए एंड देन वी वेटेड फॉर द जिप्सी टू कम एंड पिक अस फ्रॉम द होटल। जिप्सी एकदम टाइम पे आ गया था और ये हम लोग रिसोर्ट छोड़ के
চারে টুয়ার্ডস চিলাপাতা গেট। বাই নো মিন্স এম আই আ মর্নিং পার্সন, বাট কবি কবি সুবহ উঠকে মর্নিং কা ইয়ে বিউটি দেখকে নজারে দেখকে লগতা হ্যায় আই শুড ওয়েক আপ আর্লিয়ার। ওয়ান্স উই এন্টার্ড দি চিলাপাতা ফরেস্ট উই ওয়ার টোল্ড কি শান্ত রহো ক্যোঁকি সাইটিং করনে কা চান্স দর বহুত রেয়ার হ্যায় অ্যান্ড আই উইল অলসো কিপ মাই মাউথ শাট and let you guys enjoy the beauty of the forest. Very dense. Hey, the hori. Ke hori? Hey, sorry. Hey, hori na che. Ha, look torch. Hmm. Ye jagah ta chilo is. Bhai, kaathe roi. Ha. That day, we were the first car to enter the jungle safari. Par naseeb achha nahi tha aur zyada sighting nahi hua except for a deer and a few birds. Mere life ka shayad ye second ya third jungle safari hai, to as such main newbie hu to jungle safaris. Guide dada aur mere doston se kafi kuch pata chala about animals, about their preying habits and more importantly about forest reserves. So safari to khatam ho gaya tha, but we were not that disappointed because we enjoyed nature and its beauty, and to top it, the morning sun was in all its glory. चलो पालतू ही सही, पर हाथी तो दिख गया। तो नेचर एंजॉय करते करते पहुंच गया रिसोर्ट। सो गया जल्दी क्योंकि काफी सुबह उठे थे, और सो के उठ के लगा कि यार कुछ बात जमी नहीं, और एक सफारी ट्राई करते हैं क्या। और इसी ग्रीड में हम लोग पहुंच गए बक्सा टाइगर रिसोर्ट। बक्सा नाउ वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन। जस्ट अ मंथ बैक इधर टाइगर स्पॉटिंग भी हुआ है और बहुत सारे टूरिस्ट भी अट्रैक्टेड होके आ रहे हैं बक्सा। वी डिडंट हैव एनी प्रायर बुकिंग्स, तो आप सोच ही लो दिन का दिन जाके सफारी बुक करना तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। एंड एंटर नीलिप्तो जो कि सामने ब्लैक डोमिनार ब्लैक जैकेट पे जा रहे। हम लोग नीलिप्तो से चिलापता रिसोर्ट में मिले एंड ही गाइडेड अस अबाउट सम टूरिस्ट स्पॉट्स। इनफैक्ट बक्सा टाइगर रिजर्व का प्लान उसी का था and we followed it blindly. This is where you get your entry passes for your vehicles and yourself for Buxa Tiger Reserve. And we are now at the entrance gate. Buxa aane se pehle I called up a few operators jo ki safari book karte, but we were told ki everything was sold out for that evening and afternoon trip. पर नीलिप्तो ने कहा लेट्स गिव इट अ शॉट, और अगर नहीं मिलता है तो वी हैव जयंती रिवर टू सिट बाय एंड चिलैक्स। और आप लोग ये जो विजुअल्स देख रहे हो, आई एम एक्चुअली राइडिंग इन अ फॉरेस्ट रिजर्व।
होल्ड ऑन, बुकिंग तो सोल्ड आउट था, तो हम लोग जीप सफारी में कैसे? When we reached, Nilipto inquired, and luckily, a family had cancelled just before us reaching. Guide दादा से पूछे, टाइगर देख पाएंगे क्या? What are the chances? इखाने भीतर रिसर्ट आते हैं। गाइड दादा ने बताया कि जिस एरिया या जिस जोन पे टाइगर साइटिंग हुआ था, that has been cordoned off and forest officials data ले रहे। But उन्होंने ये भी बताया कि बाकी forest के कंपैरिजन में इधर साइटिंग का चांसेस ज़्यादा है। एंड सच ही बताया उन्होंने, कुछ देर में पूरा बाइसन का भीड़ दिखा हम लोग को। एक घंटा नून फैला था ना दादा, एक घंटा नून फैले रखे ना, नहीं अच्छे बने, नहीं अच्छे क्यों होंगे, ताकि अच्छे देख। और ये रहा रिवर सफारी जयंती रिवर बेड के ऊपर से। सफारी खत्म होने के बाद हम लोग आके जयंती रिवर बेड के पास बैठ के कुछ देर टाइम बिताए, एंड देन वी डिवोर्ड ऑन सम डिलीशियस मोमोज। और टाइम देखे तो इट वॉज ऑलरेडी 6 o'clock। तो अभी वापस जाना था इन दिस पिच ब्लैक डार्कनेस एंड राइडिंग थ्रू अ नेशनल रिजर्व। सच बताऊँ तो आई वॉज नॉट दैट इंटिमिडेटेड, मुझे अच्छा ही लग रहा था। इट वॉज वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस and I was actually enjoying myself in this forest reserve. तो आज के लिए इतना ही, रिसॉर्ट वापस जाके पैक किए क्योंकि नेक्स्ट दिन सुबह हम लोग को मूर्ति के तरफ जाना था। नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग मूर्ति और लावा कवर करेंगे और जो हादसा के बारे में बताया था वो भी कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, इफ यू लाइक आवर कंटेंट, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।